नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पीलीभीत में अपनी पत्नी पर रिवॉल्वर से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित एक कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। थाना मौधो टांडा क्षेत्र के चांदूपुर गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। बदायूं के जिला अस्पताल से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया। अस्पताल की मॉर्चरी में रखे हुए मुर्दे की आंखें गायब हो गई हैं। परिजनों ने जब सुबह जाकर मॉर्चरी में सबको देखा तो दोनों आंखें गायब थी। इसको लेकर प्रशासन ने इस पूरे मामले पर आंखें खोली है, साथ ही साथ परिजनों ने अस्पताल के ऊपर सवाल उठाए हैं और इस मामले की शिकायत आला अधिकारियों से की है। सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी बदायूं ने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ज्वाइंट रूप से हम सीएमओ साहब के साथ भी इसका भ्रमण किए थे नर्सरी का, और हमारे डीआरओ साहब जो आए हुए हैं मजिस्ट्रेट की तरफ से, उनके तरफ से ये देखा गया है। तो बाकी तो जांच तो सर कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे की जो जाली डबल लिंक में थी, दो पर्दों में जाली थी, वो जाली टूटी हुई थी और बाहर भी गंदगी बहुत है, तो हो सकता कोई दुर्घटना जो जंगली जानवर की आ सकते हैं। लेकिन ये पूरी जांच का प्रक्रिया होने के बाद ही ठीक से पता चलेगा कि पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट थी, आँख थी कि नहीं थी। वो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अध्ययन कर लिया जाएगा तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। सर, रात में कितने बजे बॉडी आई थी और सुबह पोस्टमार्टम के लिए कितने बजे गई? बॉडी दोपहर में 11:30 बजे के लगभग आई थी और शाम को नायब तहसीलदार की वजह से महेंद्र पाल के माध्यम से चाबी मंगाई गई थी जिसके पास पंचनामा हुआ था। सरकारी अस्पताल तो वहाँ जा कर के हमने देखा कि इतनी गंदगी थी जिसका जवाब क्या। दूसरी बात, उसकी जो है दोनों आंखें थी उस समय जिस समय हमने देखा, उसके बाद में सुबह जब हमने देखा तो दोनों आंखें गायब थी। जब हम सीएमओ साहब से शिकायत की तो सीएमओ साहब ने कहा कि हमारी ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। तो इस तरीके के साथ हमारे साथ भद्रता की और उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। औरैया के अयाना में दोस्तों के साथ बीजलपुर घाट पर यमुना नदी में डूबे दो दोस्तों में दूसरे का शव सोमवार नदी में उतरता मिला। मृतक के पिता ने स्वयं नदी में घुसकर शव को बाहर निकाला, वहीं एक को पुलिस ने गोताखोरों की मदद से रविवार देर शाम निकाल लिया था। श्रावस्ती में नहर में नहाने गए 8 वर्षीय मासूम की नहर में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर घंटों बाद शव को बाहर निकाला है। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गिलौरा थाना क्षेत्र के रेनुमा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। रायबरेली में महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बीच चौराहे पर चेकिंग के दौरान महिला और चौकी इंचार्ज के बीच तीखी झड़प हुई थी। महिला का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। पुलिसकर्मी से हर दर्जे की बदतमीजी की गई। पुलिस का डर होता जा रहा था लोगों के अंदर पूरी तरह से समाप्त। पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने महिला को जेल भेज दिया है। थाना शाहगंज के चौकी सराय ख्वाजा के चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं संभल में पुलिस और इनामी बदमाश की मुठभेड़ हुई है। 25,000 के इनामी बदमाश और एक कांस्टेबल गोली लगने से घायल हो गए। हरजगंज नगरी थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है जिसमें 25,000 का इनामी और गैंगस्टर में वांछित चल रहा गौ तस्कर घायल हो गया। बदमाश तमंचा कारतूस बताई जा रही है मिला है और इसके अलावा जो फरार बदमाश है उसकी तलाश भी की जा रही है। एसपी चक्रेश मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ये थाना हजरत नगर गढ़ी के अंतर्गत फतेहुल्लागंज रोड पर एक आज पुलिस मुठभेड़ हुई है। इसमें ये एक अपराधी है जिसका नाम शहजाद है। ये गौ तस्करी और गैंगस्टर के मामलों में थाना हयात नगर से वांछित चल रहा था। सराय तरीन का ये रहने वाला है। ये जब यहाँ से जा रहा था, शाम की चेकिंग पुलिस पार्टी के द्वारा की जा रही थी,
इसके साथ में पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की तो इसकी तरफ से फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में इसके भी गोली लगी है। पुलिस के भी एक कांस्टेबल के घायल होने की सूचना है। दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पहले से घोषित किया जा चुका था। इसके अन्य साथी जिनमें से एक अभी फरार हुआ है और कुछ इनके जो गैंग है उसके बारे में पूरी डिटेल जांच चल रही है। इसके ऊपर पहले से भी 8-10 मुकदमे हैं। पूरी इसकी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या क्या बरामद हुआ है इसके पास से? एक असलाह जो देसी तमंचा 315 बोर है वो बरामद हुआ है। संभल में डीएम ने अनूठी पहल की है। संपूर्ण समाधान दिवस की तर्ज पर शिक्षक समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। संभवतः यूपी में जनपद संभल पहला ऐसा जिला होगा जहां शिक्षक समाधान दिवस का आयोजन शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि जनपद संभल में पहला शिक्षक समाधान दिवस 7 जून यानी कि आज लगेगा। डीएम मनीष बंसल की पहल पर शिक्षक समाधान दिवस शुरू हो रहा है। डीएम ने बताया कि प्रत्येक माह शिक्षक समाधान दिवस लगाया जाएगा। इसमें शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहकर शिक्षकों की तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। डीएम ने बताया कि फिलहाल अभी शिक्षक समाधान दिवस की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन आज से इसका निवारण किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसमें जुड़े और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सके। आगरा के थाना लोहा मंडी के जयपुर हाउस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में जैन रेस्टोरेंट की संचालिका ने थाना लोहा मंडी पुलिस की जीप पर चलने वाले सिपाहियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संचालिका का कहना है कि खाना खाने के पैसे मांगने पर सिपाही रेस्टोरेंट को बंद करने आ गए थे। जौनपुर में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने यूनियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से असलहे के दम पर करीब 30,000 की लूट की है। इस वारदात का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के बालिका डिग्री कॉलेज के पास का यह पूरा मामला। आज थाना महाराजगंज क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज कस्बे में स्थित वकरांगी केंद्र के संचालक द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके केंद्र से 20,000 रुपए की छिनैती 3 अज्ञात युवकों द्वारा कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा पहुंचकर छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि घटना से कुछ देर पहले एक युवक वकरांगी केंद्र पर कुछ लेन देन करने आया था और लेन देन करने के उपरांत 1 घंटे तक बिना कारण वकरांगी केंद्र पर ही बैठा रहा और उसके जाने की कुछ देर बाद उसी के वाहन से 3 अज्ञात युवक वकरांगी केंद्र पर आए और छिनैती की घटना को कारित किया। उक्त सूचना सीसीटीवी फुटेज व साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रथम व्यक्ति को घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ में हिरासत में ले लिया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। कृष्ण की नगरी मथुरा में 2 दिवसीय दौरे पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौधरी लक्ष्मी नारायण की बेटी की शादी में पहुंचे और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया है। वहीं इसके बाद जन्मभूमि कृष्ण भगवान के दर्शन भी करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर का 149वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। स्थापना दिवस के मौके पर मंदिर को विद्युत मालाओं से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कोविड महामारी के चलते मंदिर का स्थापना दिवस पिछले 2 सालों से नहीं मनाया गया था, जिसके चलते इस बार ये धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव लोचन शाह ने बताया कि स्थापना दिवस 8 जून को ब्रह्म मुहूर्त से मां की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम से शुरू हो चुका है।
रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। पूर्व प्रधान और उनके समर्थकों ने दलित परिवार पर जानलेवा हमला बोला है, जमकर लाठी डंडों से पिटाई की है, साथ ही फायरिंग हुई है। गोली लगने से भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट करते और हाथों में असला लहराते दबंगों का एक्सक्लूसिव वीडियो कैमरे में कैद हुआ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के सरीनी गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। प्रयागराज के सरायमरीज थाना क्षेत्र के सिघौरा गांव में पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि सरायमरीज थाना क्षेत्र के सिरौरा गांव निवासी हरिशंकर 50 वर्ष के तीन उनके बेटे हैं, जिसमें दूसरे नंबर के बेटे रविंद्रपाल 26 वर्ष के बताए जा रहे हैं। पारिवारिक विवाद के चलते झगड़ा हो गया, जिसके बाद रविवार को पिता द्वारा रात में सोते समय बेटे पर कुल्हाड़ी से गहरा प्रहार किया गया, जिससे घर में चीखपुकार मच गई और लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।